1975 की प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय रमेश सुधा के नाम पर रखा गया। सेक्टर 7 और 5 का डिवाइडिंग रोड मार्ग का नाम नाप अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। स्वर्गीय रमेश सुधा की याद में लगाया गया रक्तदान शिविर नगर परिषद के अध्यक्ष अव्वा सुधा ने किया शुभारम्भ। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा के बड़े भाई स्वर्गीय रमेश सुधा के नाम पर सेक्टर 7 और 5 के डिवाइडिंग रोड सड़क के नामकरण किया गया, जिसका उद्घाटन नगर परिषद के अध्यक्ष उमा सुधा और पार्षद मुकुंद लाल सुधा द्वारा किया गया। कुरुक्षेत्र से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भाई इतने क्यों हम रहे हो यार? सेक्टर 7 और सेक्टर 5 के लोगों की डिमांड आई थी कि इस तरीके से जिस तरीके से वो रमेश सुधा जी सेवा करते हुए हमारे समाज को समर्पित किया उन्होंने, तो लोगों ने ही हमें ये गाइड किया कि आप इस रोड का नाम जो है भाई साहब के रमेश सुधा जी के नाम से रख दिया जाए, ताकि जिस तरीके से वो हमारे साथ रहा करते थे वो इसी तरीके से हमारे बीच में रहें, उनका नाम उनकी याद हमारे दिलों में बसती रहे। एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि पब्लिक का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और ये हम लोग नाम रख सकें। मैम अभी गेट की बात की है कि गेट का नाम भी बनाया जाएगा, क्या गेट? वहाँ एक्चुअली ऊपर से ही हम लोगों के आदेश थे कि गीता द्वार जो है बनाए जाएंगे, एक गीता की थीम पे ही रखा उस द्वार का जो है नक्शा बनाया गया है। बहुत ही सुंदर द्वार हैं, उनकी याद में हम कोशिश करेंगे कि ये गीता द्वार पे बनाए। हाँ जी, ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया है, एक छोटा सा प्रयास है कि ताकि क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि उन्होंने अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया था, हम चाह रहे थे कि आज हम उनको अपने बीच में जीवित रखें और इस तरीके से उनको उनकी याद में